क्लास 10 के केमिस्ट्री में हम लोग को देखना है, क्लास 10 के केमिस्ट्री में क्या देखना है, कार्बनिक यौगिकों का, कार्बनिक यौगिकों का, कार्बनिक यौगिकों का IUPAC। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो कहा होता है कार्बनिक यौगिक का नामकरण, कार्बनिक यौगिक का नामकरण नामकरण मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। एक होता है सामान्य प्रणाली, दूसरा होता है IUPAC। अब आप लोगों को बताया जाता है कि ये सामान्य में क्या है, सामान्य नाम का या सामान्य प्रणाली क्या है, जिस वस्तु से कार्बनिक यौगिक का उत्पादन होता है उसी के नाम के साथ, नाम के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे हमें यहाँ पर लिखा गया है हार्मिक अम्ल, अगर आप लोग से कोई पूछेगा कि फार्मिक अम्ल क्या है तो आप लोग क्या बताइएगा, HCOOH फार्मिक अम्ल, जो लाल चीटी, लाल चीटी से प्राप्त हुआ, अब हम लोग का दूसरा क्या है, दूसरा है IUPAC। जिस वस्तु से कार्बनिक, जिस वस्तु से कार्बनिक यौगिक का उत्पादन, यौगिक का उत्पादन उसके नाम से भिन्न होता है, यानी कहने का मतलब बताया गया है कि जो IUPAC नाम होता है उसके जो जहाँ से प्राप्त होता है उससे कुछ अलग हट के हम लोग क्या करते हैं, उसको उसका नाम को हम लोग बताते हैं। चलिए आप लोग यह नोट कर लीजिए, उसको फिर बताते हैं।
कौगो प्राणी बताया गया था नामकरण करने के लिए? दो गो प्राणी बताया गया था, एगो प्राणी बताया गया था समान, दूसर का नाम बताया गया था क्या? IUPAC क्या बताया गया था? उस पर अब आप लोग को ध्यान रखना है। बंद कर दीजिए, फैन चल रहा है, बंद। सरका प्राणी में जो लिखा हुआ था IUPAC, आई से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, INTER इंटरनेशनल, ठीक है ना? इंटरनेशनल यू से होता है यूनियन, यूनियन से होता है योर, एस होता है APPLIED अप्लाइड, सी से होता है CHEMISTRY तो याद रखिएगा, हम लोग कैसे बोलेंगे इसको? इंटरनेशनल यूनियन, यूनियन, यूनियन ऑफ, यूनियन ऑफ, योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, अब होता क्या है इसके नामकरण में थोड़ा सा क्या होता है आइए हम लोग देख लेते हैं। बताया गया है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रो, हाइड्रोकार्बन, अब आप लोगों को थोड़ा सा देखना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो कल बताया था कि यह सिंपल एक बॉन्ड से क्या होता है जुटता है, एक रेखा से यह क्या होता है जुटता है, ठीक है ना? तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले एल्केन, एल्केन, का IUPAC एल्केन का IUPAC कार्बनिक यौगिकों का UPAC UPAC प्रणाली में सभी कार्बनिक यौगिकों का यौगिकों को हाइड्रो कार्बन का व्युत्क्रम क्रम माना जाता है, इसके व्युत्क्रम माना जाता है। तो व्युत्क्रम किसके माना जाता है? तो हाइड्रोकार्बन के व्युत्क्रम माना जाता है। तथा कार्बनिक यौगिक के नाम, कार्बनिक यौगिक, यौगिकों के कर दीजिए, यौगिकों के नाम
उनके संगत हाइड्रो कार्बन उसके संगत के हाइड्रो कार्बन आप कहाँ लिखे थे यहाँ पर लिखते हैं हाइड्रो कार्बन के नाम पर ही आधारित होता है। हाइड्रोकार्बन के नाम पर ही आधारित होता है। अब हम लोग चलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में अब हम लोग जानेंगे आगे क्या है। मैंने IUPAC का नाम बता दिया, आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, ए से अप्लाइड, सी से होता केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। संतृप्त हाइड्रोकार्बन पर बात आई है, एल्केन का, IUPAC का, IUPAC प्राणी है, सभी कार्बनिक यौगिकों को हाइड्रोकार्बन का व्युत्क्रम माना जाता है तथा कार्बनिक यौगिक के नाम उनके संगत के हाइड्रोजन कार्बन के नाम पर ही रखा जाता है या उसके नाम पर ही क्या होता है आधारित होता है, उसी के नाम के संबंध में हम लोग को रखना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम अभी नाम रखेंगे आपको पकड़ में आ जाएगा। देखिए कुछ संतृप्त हाइड्रोकार्बन
ये आप लोग को थोड़ा सा केयर कर लेना चाहिए। CH4 मिथेन में C2H6 एथेन है, C3H6 प्रोपेन है, C4H8 मेथेन एथेन प्रोपेन प्रोपेन ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जा रहा है। पहले मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, मेथेन एथेन प्रोपेन इसके बाद हम लोग का हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन ब्यूटेन के बाद हो जाएगा पेंटेन, पांच हो जाएगा, पाँच हो गया, छ हो जाएगा हम लोग का हेक्सेन, अपटेन टेन। अब यहाँ हो जाएगा आठ नंबर का हो जाएगा ऑक्टेन, ऑक्टेन ऑक्टेन C8 हो जाएगा CH कितना हो जाएगा 18। आठ हो जाएगा ये आठ, ये हो जाएगा नौ, नौ नैन, नौ नैन। तो नौ नैन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे जोड़ लीजिए, गलती हो गया जी, यहाँ पे सात, यहाँ पे आठ होना चाहिए, सोलह यहाँ पे हो जाएगा अठारह, क्या बोला गया नौ नंबर, क्या बोला गया नौ नंबर, क्या बोला गया नौ नैन, नौ नैन C9H12 नौ नैन हो जाएगा। अब अंतिम हम लोग हो जाएगा डेकेन, डे
लेकिन सी सी दस एच बाईस ये हम लोग का ये डेकेन। ये कौन सा है? कुछ हाइड्रोसंतृप्त कार्बन है या यहाँ पे कुछ संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये हाइड्रोकार्बन हम लोग का है। मेथेन का यहाँ पे लिखा गया है, एथेन का लिखा गया है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा सूत्र लिख लीजिए लोग, एथेन का सूत्र, एथेन का चाहे पर लिख लीजिए, इसके बाद बता दें, नोट कर लो। इसको बनाइए कैसे, आपको पहले बताया गया था, इसी को बनाना है। दस वो है, एक दो तीन चार पाँच, आप देखिए यह हम लोग का जितना भी जुड़ा हुआ है कौन सा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त है। एक दो तीन चार पाँच हो गए, पाँच भी है। तो पाँच को फिर साथ में क्या क्या जोड़ा गया है? पाँच को कहाँ है? ये है, क्योंकि पाँच में यहाँ पे तो बारह, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, कितना आ जाएगा? बारह को। तो हम लोग का ये वाला हो जाएगा सी फाइव एच का, हो जाएगा बारह सी फाइव एच बारह सी फाइव एच बारह, आसानी से निकल सकता है। इसी को नहीं ना है, अलग है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा दिया गया है, तो इसको आपको घर से नोट कर लीजिए कैसे बनाना है, लेकिन ऐसे ही फिगर बनाना है। जल्दी से नोट करो, चलिए इसको आप लोग कर लीजिए। आप देख रहे हैं आप लोग को, नामकरण के, नामकरण के संबंध में संबंध, नामकरण के संबंध में नियम, नियम बनाए गए के अनुसार प्रथम नामकरण में डाई डाई ट्राई डाई ट्राई टेट्रा टेट्रा
पेंटा 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 तीन इस चार सदस्य को सामान्य नाम में रखा जाता है। कौन सा नाम में रखा जाता है? सामान्य नाम में इसको क्या किया जाता है? रखा जाता है। आप देख लीजिए डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, ट्रिट्रा का मतलब चार, पेंटा का मतलब पाँच। डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब आप लोग नहीं पता है। डाई का मतलब क्या होता है? दो होता है। डाई का मतलब कितना होता है? दो होता है। डाई का मतलब कितना होता है? दो। ट्राई का मतलब? ट्राई का मतलब तीन होता है। नहीं पता है क्या? मुँह बा रही है बैठे बैठे। ट्राई का मतलब आपको नहीं पता है? एकदम गुम जाए भगवान जी आपको मुंह नहीं कर ले। देखिए यहाँ पे डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है तो, ट्राई का मतलब होता है तीन, ट्रिट्रा का मतलब होता है चार, पेंटा का मतलब होता है पांच। ये हम लोग को सामान्य नाम के साथ सामान्य नाम के साथ जुड़ते हैं। याद रखिएगा नाम के संबंध में नियम बनाए गए के अनुसार प्रथम नामकरण में डाई ट्राई टेट्रा और पेंटा के इस चार सदस्य को समान नाम में रखा जाता है। डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, टेट्रा का मतलब चार, पेंटा का मतलब कितना होता है? पाँच। समान नाम के साथ ये जुड़ते हैं। ये समान नाम के साथ क्या होते हैं? जुड़ते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी। देखिए नामकरण करते समय कार्बन के संख्याओं के आधार पर नामकरण किया जाता है। अब हम आप लोगों को बताते हैं, थोड़ा सा समझिए। थोड़ा
थोड़ा सा आप लोग नामकरण के समझिए कार्बन के आधार पर किया जाता है। ये लिखा गया सी फाइव एच बारह, इसको हम लोग बोलते हैं पेंटेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पेंटेन। तो पेंटेन क्यों आया, पाँच है तो पेंटेन आया, यहाँ पर हो जाता सी फोर एच टेन, तो यहाँ पर चार के लिए क्या हो जाएगा, चार के लिए क्या हो जाएगा, हाँ ब्यूटेन आ जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा किसके लिए, चार के लिए, तो हम लोग चार के लिए ब्यूटेन बोलते हैं। लेकिन हम लोग का क्या था, यहाँ पर देख लीजिएगा डाई था, डाई का मतलब दो हो गया था, दो के बाद यहाँ पर हम लोग क्या था ट्राई था, ट्राई में कितना हो गया था तीन हो गया था, उसके बाद टेट्रा हो गया था, टेट्रा टेट्रा यहाँ पर हो जाएगा चार हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टेट्रा के बाद क्या होता है, टेट्रा के बाद क्या होता है पेन होता है, तो पेन का मतलब होता है पाँच, पेन पेंटा, पेंटा पेंटा के लिए यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा पाँच। ये जो दो गो तीन गो चार गो और पाँच गो जो है यह किसका होगा, कार्बन का होगा, किसका होगा कार्बन का, किसका होगा कार्बन का होगा, किसका होगा कार्बन का होगा, किसका हो जाएगा कार्बन का। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे कोई भी देगा तो आप लोग कैसे कीजिएगा, कैसे समझिएगा। तो पेंटेन यहाँ पे पाँच हो गया, अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। लिखा गया है पेंटा, में से एन हटाकर एन होता है पेंटा में से एन हटाकर पेंटा में से मात्रा हटाकर एन को जोड़ दिया जाता है, एन को जोड़ दिया जाता है, जैसे मैं मात्रा को हटा के यहाँ पर लिखा गया है पेंटा प्लस लिखा गया है एन, कहा जाएगा पेंटेन, आप समझिए कैसे हो जाएगा पेंटा, इसको काट दिया जाएगा एंट, तो पेन पेंटेन याद रखिएगा, इसका हो जाएगा हम लोग का पेंटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा पेंटेन, अगर हम लोग इसमें से टा हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का पेंटेन। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, लिखिए आप लोग, आप लोग लिखिए एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका एल्केन का, तो आप लोग एल्केन का सूत्र जान लीजिएगा सी एन एच टू एन प्लस कितना हो जाएगा वन, प्लस कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, नहीं याद रखिएगा टू होता है, किसके बराबर होता है एल्केन समूह के बारे में, कौन सा समूह के बारे में एल्केन समूह के बारे में, कौन सा समूह के बारे में एल्केन समूह के बारे में, किस समूह के बारे में एल्केन समूह के बारे में। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, एन होता है पेंटेन, एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, तो सी एन प्लस सॉरी सी एन इंटू एच टू एन प्लस टू होता है, याद रखिएगा एल्केन का समान सूत्र यह होता है, हम लोग को याद रखना। हो गया,
अब देखिए यहाँ पे देखिए एला केला की एल्किल समूह किसे कहते हैं, एल्किल समूह किसे कहते हैं, जब एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन के परमाणु परमाणु को हटा लेने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसे एल्किल समूह कहते हैं। कौन सा समूह कहते हैं? एल्किल समूह कहते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा समझिए, जैसे में यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे में क्या है CH4 का आ जाएगा मेथेन, कहा जाएगा मेथेन। अगर इसी को आप लोग कर दीजिएगा CH3 तो ये हो जाएगा मेथिन, ये क्या हो जाएगा मेथिन, इसको हम लोग क्या बोल देंगे मेथिन, ठीक है ना। अगर आप लोग को नहीं विश्वास है तो आप लोग कर लीजिए इसको हम लोग मेथिन समझ, यहाँ पर हो जाएगा C2H6, यहाँ पर अगर आप पढ़ लीजिए CH3, यहाँ पर आ जाएगा CH3, तो CH3 तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एथेन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एथेन, तो ये तो हम लोग का एथेन, ये हम लोग का है एथेन है। तो इसमें से जब हम लोग का CH3 एक हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर देंगे विस्थापित कर देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन के साथ इसको हम लोग बोलेंगे एथिल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एथिल समूह हो जाएगा, कौन सा समूह हो जाएगा एथिल, और ये कौन सा समूह हो जाएगा मेथिल, मेथिल समूह समूह। अब आपको ध्यान रखना है यह एल्किल समूह कैसे बनता है, तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन के परमाणु को हटा लिया जाता है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हम लोग हटा लेंगे तो क्या बनेगा हम लोग का बन जाएगा एल्केन के एक, जैसे मैं यहाँ पर लिखा गया मेथेन, तो मेथेन में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा लिया तो मेथिल समूह बन गया, एथेन में से एक हटा लिया गया तो क्या बन गया एथिल समूह बन गया। यही आप लोग बता दें C3H8, अगर इसको हम लिखते हैं C3H7 इसको बोलेंगे प्रोपिल, इसको प्रोपिल समूह बोलेंगे, कौन सा समूह बोलेंगे प्रोपिल। तो ऐसे ही 10 तक जाता ना मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, उसके बाद क्या होता है हेक्सेन के बाद क्या होता है 7 को हम लोग क्या बोलते हैं हेक्सेन, हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन और क्या होता है डेकेन होता है। इसको हम आप लोग लाइन से, इससे पहले ही लाइन से बताएं तो आप लोग बारी बारी से उसको निकाल के क्या कर सकते हैं। अगर मान के चलिए कि क्या है यहाँ पे C4H कितना हो जाएगा 10, तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या ब्यूटेन, तो जैसे था मेथेन तो मेथिल हो गया ब्यूटेन, तो क्या हो जाएगा ब्यूटिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्यूटिल, ठीक है ना। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, लिखवा दे रहा हूँ बता रहे ब्यूटिल